हेलो हेलो, गुड इवनिंग नागरथन। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्या आपको ये इस इन पॉइंट्स में स्टोरी लिखनी है? हेलो, बेटा क्या आपको ये वाला क्वेश्चन करना है नागरथन? हेलो बेटा, क्या आपको इस ये वाला क्वेश्चन अटेंड करना है? ओके ओके। अच्छा देखो, आपकी स्टोरी है ये। हंग्री डॉग सर्चिंग फूड फाउंड अ बोन, हैप्पी गोइंग होम, क्रॉसिंग अ ब्रिज सॉ ओन रिफ्लेक्शन अनदर डॉग, पार्क बोन फेल, वाटर फुलिश होम डिसअपॉइंटेड। आप देखो, यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, एक स्टोरी लिखनी है कि एक भूखा कुत्ता था, ठीक है। उसको भूख लग रही थी, तभी उसको एक हड्डी मिली। अब जब वो जा रहा था तो उसने ब्रिज क्रॉस किया, उसके नीचे उसने पानी पाया। जब उसने पानी देखा तो उसको लगा कोई दूसरा डॉगी है, और उसको देख के वो भौंकने लगा, जिसकी वजह से हड्डी उसके मुंह से निकल के गिर गई और वो डिसअपॉइंटेड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा नागरथन? हाँ आप देखिए यहाँ पे कैसे होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम लिखना शुरू करें बेटा। हाँ मैम। ओके ना, आप देखो स्टोरी की शुरुआत कैसे करते हैं हम, वंस अपॉन अ टाइम। ओके, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम अ डॉग, ठीक है, हाँ अ मैम। डॉग वाज स्टार्विंग। अ डॉग वॉज स्टार्विंग, और ये जो हमें पूरी स्टोरी लिखनी है ये उन पॉइंट्स की मदद से लिखनी है जो आपको गिवन है, ठीक है। हाँ मैम। वो स्टार्विंग इन अ कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब हो गया एक एरिया। एक बार की बात है, एक जो डॉग है वो भूखा यानी भूखा घूम रहा था अपनी कम्युनिटी यानी जहाँ पे भी वो रहता था वहाँ पे, ठीक है। हाँ मैम। ही फ्रीक्वेंटली, अब आप ऐसे लिखोगे ही फ्रीक्वेंटली, ओके, हाँ मैम, ventured, ventured, ठीक है, into the jungle in quest of food। यानी वो जो कुत्ता था वैसे तो सड़कों पे रहता था, लेकिन ज्यादातर वो जंगल में चला जाया करता था खाना ढूंढने के लिए। ओके, आप यहाँ तक कर लो, जब आपका हो जाए आप मुझे बता देना। हाँ ओके मैम, ठीक है ना। क्वेस्ट ऑफ फूड, अब उसके बाद आपके यहाँ पे लिखोगे क्वेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। वेयर ही ओकेजनली ओकेजनली, ठीक है, डिस्कवर्ड वेयर ही ओकेजनली डिस्कवर्ड बोन्स, ओके, एंड फ्लैश टू कंज्यूम। अब देखो वो जंगल में जाया करता था, जब जंगल में उसको नॉर्मली क्या मिल जाया करता था, फ्लैश यानी गोश्त मिल जाया करता था या हड्डियां मिल जाया करती थी खाने के लिए। अब जब आप यहाँ लिखोगे उसके बाद आप आगे लिखोगे, ठीक है, व्हेन ही, ठीक है, हाँ मैम, व्हेन ही eventually, TULLY eventually, okay, comes across, आपको राइटिंग समझ आ रही है बेटा? हाँ मैम। a sizable, okay, piece of bone, okay, he will be overjoyed, OVER JOYED overjoyed। अब देखो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, कभी कभी अगर उसको बड़ी हड्डी मिल जाया करती थी, है ना, तो वो बहुत ज्यादा overjoyed यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाया करता था, ठीक है। He, अब आप यहाँ तक कर लो, हो जाए आप मुझे बता देना बेटा नागरथ। हाँ मैम। डन, हाँ मैम, डन, ठीक है। अब देखो उसके बाद आप लिखोगे ही के बाद ही क्रॉसेस, ठीक है,
ही क्रॉसेस द ब्रिज ठीक है ओवर द रिवर ठीक है हाँ मैम ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट. अब देखो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो जंगल से वापस अपनी कम्युनिटी यानी शहर की तरफ जाया करता था तो उसको एक नदी के ऊपर से होके जाना पड़ता था जिसके ऊपर एक ब्रिज था ठीक है. चलिए ना अब यहाँ पे क्या होता है फॉरेस्ट के आप आगे से लिखोगे ही ठीक है नोटिस्ड हिज रिफ्लेक्शन His reflection, ठीक है, with a bone in the river, ठीक है, in the river water as. अब देखो जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस कर रहा था तभी उसकी नजर काय पे पड़ी पानी पर पड़ी और पानी कहाँ था वो नदी के अंदर है ना. जैसे ही वो उस पानी की तरफ देखता है तो उसको रिफ्लेक्शन दिखता है खुद का ही. रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया झलक दिखना ठीक है. वॉटर एज यहाँ तक कलर जब हो जाए आप मुझे बता देना. हाँ मैम बताओ. डन हाँ डन. चलिए एज ठीक है. हाँ मैम. एज ही वाज ऑन द ब्रिज BRIDGE ब्रिज ठीक है. ही अज्यूम्ड ठीक है. हाँ मैम. इट वाज अ डिफरेंट It was a different dog carrying a bone. अब देखो जब वो खुद की झलक पर देखता है यानी खुद के रिफ्लेक्शन पर देखता है तो उसको लगता है कि शायद ये कोई और डॉग है जो एक हड्डी को क्या कर रहा है कैरी कर रहा है लेकर जा रहा है. ओके अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप. इन हिज हंगर ओके He wanted ठीक है that bone as well. क्योंकि वो भूखा था उसकी क्या आ रही थी वो जरा लालची हो गया था है ना उस हड्डी को देखकर तो वो क्या चाहता था कि वो दूसरे डॉग वाली यानी खुद के रिफ्लेक्शन वाली हड्डी है वो भी उस डॉग को मिल जाए. ओके ही देन यहाँ तक कर लीजिएगा ठीक है. ही देन हाँ मैम डन हुआ. यहाँ तक कोई डाउट आपको बेटा. नहीं मैम. ठीक है. ही देन ओपन ठीक है OPENED ओपन्ड हिज माउथ. ही देन ओपन हिज माउथ एंड बार्क्ड ठीक है एट द इमेज ऑफ हिमसेल्फ ही लॉस्ट हिज बोन ठीक है when the bone when the bone in his माउथ ठीक है ड्रॉप्ड इनटू द. अब देखो जब आपका यहाँ तक हो जाए आप मुझे बता देना. ओके अब देखो क्या होता है क्योंकि वो खुद के रिफ्लेक्शन को देखता है उसकी भी हड्डी चाहता है कि यार ये जो हड्डी है ये भी मुझे मिल जाए. जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है या अपनी इमेज की तरफ रिफ्लेक्शन की तरफ क्या करता है बाक करता है भौंकता है उसके मुंह से वो जो हड्डी होती है जो ऑलरेडी उसके पास होती है वो निकल के कहाँ गिर जाती है पानी में गिर जाती है. ठीक है डन हाँ डन इनटू आप देखो इनटू द रिवर
river, river, ठीक है? Into the river. और आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नीचे एक लाइन स्किप करके बेटा मॉरल लिखना, मॉरल, ठीक है? नॉर्मल एक स्टोरीज क्या होती है, उसके अंदर हमें एक मॉरल देना होता है, ठीक है? अब आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि वो डॉग क्या हो जाता है, लालची हो जाता है, तो यहाँ से लेसन क्या होगा, द लेसन, ठीक है, इज टू नेवर बी ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी, ठीक है? यानी इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए. ओके ओके मैम, समझ आया आपको ये बेटा? हाँ मैम. कोई डाउट आपको किसी और चीज में, कोई और हेल्प चाहिए? नहीं मैम, नहीं. ओके चलो नागरत्न, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो बेटा बता देना, और कॉल के बाद अपनी रेटिंग जरूर देना, ठीक है? ओके मैम. ओके चलिए, बाय, टेक केयर, गुड नाइट. हाँ बाय मैम, थैंक यू मैम, वेलकम.